रुको रुको दोस्तों, ये है वीडियो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड की। आज मैं आ चुका हूँ कर्नाटका के हुबली में और आप ये देख सकते हो क्वालिटी। दोस्तों मैं तो सोचता था नॉर्दर्न इंडिया में ये अच्छे जर्मन शेफर्ड है, लेकिन मेरा ये मन ही बदल गया आफ्टर कर्नाटका आके, केरला आके। और ये देख लीजिए क्वालिटी क्या मेंटेन की हुई है। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है जर्मन शेफर्ड के कोट को मेंटेन करने के लिए। आपके बारे में जर्मन शेफर्ड की क्या राय है? जर्मन शेफर्ड एक कंप्लीट डॉग है सर, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। हर बंदे का एक अच्छा ये होता है, ओपिनियन होता है हर ब्रीड के बारे में, तो मुझे जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्यों लोग जर्मन शेफर्ड लें? ये देखिए, हर ब्रीड में एक एक क्वालिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैस्टिफ दिखने में बहुत मैचो रहता है और मतलब बहुत इंटिमिडेटिंग रहता है, और लैब्राडोर रहता है वो तो प्यार करता है, गार्डिंग वगैरह उतना कर नहीं पाता, वो लव एंड केयर है वो ब्रीड। और जो छोटे टॉय ब्रीड रहते हैं उनका काम अलग रहता है, वो घर में इंडोर रखने के लिए। लेकिन जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है, ये सब क्वालिटीज़ है, ये प्यार भी करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, गार्डिंग करेगा, आपके साथ जॉगिंग भी जाएगा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, घर में भी रख सकते हो, मतलब ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ दैट यू नीड एज ए डॉग। तो लॉन्ग कोट कितनी केयर मांगता है स्मूथ कोट से? सर हम तो उतना केयर, मतलब नॉर्मली दोनों को उतना ही केयर देते हैं। मॉर्निंग 15-20 मिनट्स एंड इवनिंग 15-20 मिनट्स केयर चाहिए। बस गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि उनका कोट ज़्यादा रहता है, उनको गर्मी जल्दी लग जाता है, तो हमें उसको कूल रखने की कोशिश करना चाहिए। कई बार जर्मन शेफर्ड की आप देखते हो कि टांगे बिल्कुल झुकी होती है, वो जब चलता है खरगोश की तरह लगता है। इंडिया में काफ़ी ब्रीडिंग वैसी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सर जो सीनियर ब्रीडर्स रहते हैं, बहुत सालों से ब्रीडिंग करते आ रहे हैं, उनका राय मशवरा लेके आप जेनेटिकली स्टडी करके फिर ब्रीड करोगे, तो मुझे लगता है ये इरेडिकेट कर सकते हैं। ये मतलब ये जेनेटिकल फॉल्ट्स रहता है और ब्रीडिंग थोड़ा जल्दबाजी में जो ब्रीड कर देते हैं तो ऐसे होने के चांसेस रहते हैं। मतलब भाई बहन की मीटिंगें चल रही है, बाप बेटे की चल रही है, उसी से कारण ये होते हैं। हाँ, खुल के बोलिए भैया, टोनी भैया, देखिए हम लोगों को सिखाने आए हैं, जब तक इसके ऊपर अवेयरनेस बातें नहीं होंगी तब तक कहाँ से पता लगेगा लोगों को? तो वही जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम लोग अब इंसान में भी क्या होता है, रिलेशन में शादी करने से थोड़ा ये हो जाता है ना, बच्चे थोड़ा एबनॉर्मल से हो जाते हैं, तो वैसे जर्मन शेफर्ड में भी क्या होता है, जेनेटिकली नियर रिलेशन में जो उनका ये मेटिंग किया जाता है तो फॉल्ट्स आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको अवॉइड करना हमारे हाथ में रहता है। तो जो ये ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको फिर बैन क्यों नहीं करते? तो होना चाहिए बैन आपके हिसाब से? देखिए वो नस्ल ख़राब कर रहे हैं पूरी, तो उनको थोड़ा एजुकेट करना ज़रूरी है, उनको बैन नहीं, उनको एजुकेट करना है जो भी कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सीनियर्स रहते हैं, उनके हेल्प लेके करेंगे तो थोड़ा उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो भैया जैसे ये अभी आपके पास डॉग है, इसका क्या देखना चाहिए जब बच्चा कोई लेता है आम आदमी? हाँ। तो उसको क्या देखना चाहिए, कैसी है उसका पोस्चर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये देखिए, उसके चारों पैर स्ट्रांग हो, फर्स्ट चीज़ है उसके चारों पैर स्ट्रांग हो, तो और उसका टेम्परमेंट, तो ये दोनों चीज़ उनको देखना चाहिए। उसके बाद अगर मेल पपी ले रहे हो तो टेस्टिकल आया है कि नहीं आया है वो भी एक बार चेक करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ इज़ हेल्थ, सेकेंड थिंग इज़ देयर कैरेक्टर एंड टेम्परमेंट, थर्ड थिंग इज़ देयर कॉन्फर्मेशन, मतलब मेरे ओपिनियन से, एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनका कलर हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, ये सारे चीज़। तो दोस्तों ये थे टोनी पॉल। हाँ, कैनल का नाम क्या भैया आप? ये कैनल नहीं है एक्चुअली, हमारा फार्म का नाम क्या रखा है? ये टीम पॉल्स हैं। टीम पॉल्स, मतलब ये टीम पॉल थी आपके साथ, ये टीम होगी, ये पॉल सर हो गए और ये इनके डॉग्स हो गए। अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है तब भी इनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट में ये तो एक तरह के किंग हैं आज की डेट में इंडिया में, क्योंकि काफ़ी डॉग इन्होंने बाहर से मंगवा के दे दिए और ब्रीडिंग के सुधार की काफ़ी बातें करती हैं, और होप करते हैं कि आगे जर्मन शेफर्ड में जो गलत काम हो रहे हैं वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि ज़्यादातर गलत काम वो ब्रीडर कर रहे हैं जिनको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं। अभी इस कैनल में बच्चे हैं अभी या होने वाले हैं? अभी नहीं, इधर अभी होने वाले हैं, और मतलब अभी 2 महीने में वगैरह हमारे पास पप्पीज़ रहेंगे। तो साल में कितनी बार बच्चे लेते हो आप? तो ऐसा मतलब जब हमें शो सीज़न के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी करना होता है, तो अभी मेरे पास देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक नहीं है शो करने के लिए,
तो मैं ये साल ब्रीड करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी हो जाते हैं, नहीं तो अननेसेसरी ब्रीडिंग नहीं करते। तो ये एक अच्छे ब्रीडर की पहचान होती है, जो स्टैंडर्ड के ऊपर अपना काम करते हैं, वो साल में एक दो बार ही बच्चे लेते हैं और उसमें से जो अपने लिए रिटेन करने होते हैं, मतलब मलाई मलाई निकाल लेते हो, बाकी लोगों को बांट देते हो, हैं ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं सर, क्या है मेरा कैनल कैपेसिटी बहुत कम है, आप तो जानते हो, आपने कैनल भी देखा है, तो मैं 13-14 डॉग्स के ऊपर नहीं रख सकता अपने कैनल में, तो ज़्यादातर अच्छे पप्पीज ही मुझे देना पड़ते हैं बाहर, अच्छे डॉग्स ही मेरे कैनल से बाहर जाते हैं। और मैं ब्रीडिंग करता हूँ, मैं अपने लिए फर्स्ट करता हूँ कि मुझे शो विन करना है, मुझे शो में कॉम्पीट करना है, एज ए ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप ऐसे मुझे ब्रीड करना है। तो अब उसमें से एक पप्पी मैं रखता हूँ, बाकी के पप्पीज ऐसे ख़राब नहीं होते हैं तो वो भी अच्छे रहते हैं। चलिए, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, मैं तो करता रहूँगा कड़वी बातें ब्रीडर के साथ। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।